जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जॉब अपडेट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में वैकेंसी निकली हुई है। इसके लिए आप एमए बैचलर डिग्री प्लस 12th है तो 3 साल की डिप्लोमा, 10th है तो डिप्लोमा एनी ब्रांच। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर साइंस से हो। मैं यहाँ पे सारा चीज़ आपको बताऊंगा कि आप कैसे अप्लाई करिएगा, इसमें क्या प्रोसेसिंग है, इसका लास्ट डेट कब है और ऑफिशियल साइट क्या है, और लास्ट में ये पीडीएफ में आप लोगों को प्रोवाइड भी करवा दूंगा और लिंक भी दे दूंगा। वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं डिटेल्स ऑफ पोस्ट। असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी, इसमें टोटल वैकेंसी है 8 और इसका सैलरी जिसे आप देख रहे हैं कि 60,000 से स्टार्ट होगा और जो लास्ट होगा 1,80,000 रुपीज पर मंथ मिलेगा आप लोगों को दोस्तों। इसमें देखिए नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन यानी आईटीआई वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बॉयलर ऑपरेटर के लिए 39 सीट है, माइनिंग फोर मैन के लिए 24 सीट है, सर्वेयर के लिए 5 सीट है, माइनिंग मेट के लिए 55 सीट है, फायर ऑपरेटर के लिए 25 सीट है, फायर मैन कम फायर इंजीनियर ड्राइवर ट्रेनिंग के लिए 36 सीट है, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए 30 सीट अवेलेबल है। और इसमें देखिए कम ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग मैकेनिकल के लिए 15 सीट है, मेटलर्जी के लिए 15 सीट है, इलेक्ट्रिकल के लिए 40 सीट है और सिविल के लिए 5 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के लिए 5 सीट है। इसमें ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट दोनों, और आईटीआई वाले के लिए देखिए फीटर के लिए 9 है, इलेक्ट्रिशियन के लिए 10 है, इतने के लिए। और इसमें क्या क्या एक्सपीरियंस है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के, असिस्टेंट मैनेजर के लिए एनी बैचलर डिग्री होना चाहिए, वो भी बीई बीटेक, सॉरी बीई बीटेक में ओनली होना चाहिए, चाहे आप किसी भी एनी ब्रांच, 2 ईयर की एक्सपीरियंस नहीं, ये बस 1 साल की एक्सपीरियंस चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, तो भाई स्टेट गवर्नमेंट को होना चाहिए। ऑपरेटर के लिए देखिए मैट्रिक के साथ डिप्लोमा भी होना चाहिए एनी डिसिप्लिन में, कोई सभी डिसिप्लिन में, ये माइनिंग फॉरमैन के लिए है। इसमें भी ये देखिए डिप्लोमा मांग रहा है, इसमें भी डिप्लोमा है, और फायर ऑपरेटर में ग्रेजुएशन इंडस्ट्री प्लस 3 ईयर डिप्लोमा एनी या ग्रेजुएशन एनी या डिप्लोमा किए हैं ये इंजीनियरिंग इकोनॉमी में, सब कोर्स भी चाहिए आपके लिए। इसके लिए माइनिंग मेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, इसका जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे दिया गया है 30 सितंबर 2022, से पहले आप लोगों को अप्लाई कर लेना पड़ेगा। इसमें देखिए नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 26,600 से लेकर 40,000 मिलेगा, माइनिंग के लिए भी इतना है, सेफ्टी के लिए भी इतना है, आप लोग देख लीजिए। जिसमें जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो जो होगा टेक्निकल नॉलेज होगा तो 20 का होगा, और फॉर अदर पोस्ट के लिए 50 होगा, जनरल एप्टीट्यूड होगा 50 मार्क का। आप लोग सारा ये एक बार पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कैरिंग 65 kg है, फिजिकल है, वेट हाइट फिजिकल स्टैंडर्ड मेडिकल चेकअप, ये एग्जाम सेंटर आप यहाँ यहाँ दे सकते हैं। उसमें देखिए ये सारा चीज है कि आपको कितना पे करना पड़ेगा असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी के लिए, इतना देना पड़ेगा, ये आप लोग पढ़ लीजिए। इस सारा डिटेल में दिया है, ये कैरियर पे आप अप्लाई कर सकते हैं।
जनरल के लिए इम्पोर्टेंट है, प्लीज पढ़ लीजिए। आज थोड़े मेरा गला खराब हो गया है, सही से बोल नहीं पाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये डेट याद रखिए कि लास्ट 30 सितंबर है। 30 सितंबर से पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।